जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं रामगढ़ प्रखंड के नावाडी ग्राम में उपस्थित हूँ, जहाँ पर आज ममता भुइयां जी का लगातार धुआंधार दौरा चल रहा है और ये चुनावी दौरा चल रहा है और उसी को संबोधित कर रहे हैं। आइए हम आज आपको इस वीडियोज़ में दिखाते हैं कि उन्होंने जनता के बीच किन किन मुद्दों को रखा और कैसे वो किस विचारों के साथ अपने जनता के साथ वोट मांग रहे हैं। जागरूक है और अपने मुद्दों के साथ में समर्थन करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। चूंकि ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र जो है आदिवासियों का ही क्षेत्र है, हर बार ममता भुइयां जी तो दे देते हैं, लेकिन ममता भुइयां जिंदाबाद, ममता भुइयां जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, रबड़ी देवी जिंदाबाद, 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 जय तेजस्वी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राम छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है, लोगों से मिल रही हैं, वो उनके इंतजार में बैठे हुए थे और जिनके लिए हम लोग अभी तक वहाँ पे खड़े होके बात हर बात को मेहनत से सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे और जो हम लोगों को करना है उसके लिए अपने मत में अपने पक्ष में वोट करने के लिए हमारे बीच महागठबंधन के प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हमारे बीच उपस्थित हैं, श्रीमती ममता भुइयां जी। हम लोगों ने आप सबों को बहुत सी बातें बताए हैं, मैनिफेस्टो को पढ़ करके सुना दिया है और इन्हें भी पता है कि हमने क्या मैनिफेस्टो बनाया है। तो आप सबों के बीच, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए बहुत कुछ नहीं बोलते हुए मैं सीधा इस पर क्षेत्र के, इस लोकसभा के और महागठबंधन के प्रत्याशी महोदय जी से निवेदन करेंगे कि आप आएँ और हमारे उपस्थिति नावाडी के जनता को अपने शब्दों से संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत, और इनका सबसे पहले आप सभी लोग तालियों से स्वागत करें। आज की सभा में उपस्थित हमारे तमाम गार्जियन, माताएं, बहनें, भाई बंधु, आप सभी को पलामू की बेटी ममता भुइयां की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, चरण स्पर्श और जोहार करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पलामू लोकसभा पिछले दस साल से जिन्हें हम लोगों ने सांसद बना करके अपना आवाज़ पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट तक भेजा, आज वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। हम सभी तरस चुके हैं अपने ही सांसद को देखने के लिए, उनके आवाज़ को सुनने के लिए। हमारा जो पलामू की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो यहाँ पे उभर करके आता है बेरोजगारी, और उस बेरोजगारी के वजह से हमारे परिवार के सदस्य पलायन होने पे मजबूर हैं। अगर रोजगार उन्हें यही मुहैया कराया जाता तो हमें नहीं लगता है कि हमारे परिवार के सदस्य बाहर जा कर के मजबूर होते अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। हमारी जो लड़ाई है जल जंगल जमीन की, उसके बारे में आज तक हमारे सांसद महोदय ने एक बार भी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली के पार्लियामेंट में
आवाज नहीं उठाए और वो दो दो बार पलामू में आए और मंडल डैम को शिलान्यास भी किए हो ऑनलाइन, लेकिन आज मंडल डैम का क्या हालत और स्थिति है आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। और मंडल डैम में जाने वाले हमारे आदिवासी भाई बंधु का जो जमीन है उसका उचित मुआवजा का जो आपका उचित मांग है वो आपके मैनिफेस्टो में हम पढ़े हैं और ये उचित भी है। तो हमारा यही कहना है कि अगर आपके आशीर्वाद से पलामू लोकसभा में तमाम माताएं बहनें एवं यहाँ के तमाम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमें मौका दिया जाता है तो इस पे आगे चल करके उचित कार्रवाई जरूर किया जाएगा और आप सभी का जो उचित मांग है उस पे हम आगे बढ़ करके आपका आवाज़ को बात को आगे पहुंचाने का काम करेंगे और उस मुआवजे के लिए आपको हम आश्वासन देते हैं कि जरूर होगा। ममता भुइयां जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप जैसा कि जानते हैं कि पलामू एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो राजनीति का अखाड़ा हो गया है, हमेशा यहाँ पे वादे किए जाते हैं और बड़ी बड़ी वादे, और पलामू हर बार सुखाड़ घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इस सूखे से बचने के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया। और आप आज देख सकते हैं गर्मी का माहौल में पलामू का जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है, यहाँ पे लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, तो सिंचाई तो बहुत दूर की बातें हो जाती हैं। तो इन सारी समस्याओं से जूझते हुए हम किस तरह से आगे बढ़े और बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये सब आपके साथ मिल करके आपके विचारों को सुनते हुए आपके बातों को रखते हुए हम और आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस बार फिर से हमारे माननीय सांसद महोदय आएंगे आपके बीच वोट मांगने, तो उनसे एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा कि पिछले 10 साल में हम लोगों के पीने के पानी के व्यवस्था के लिए आपने क्या किया, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि अगर एक गांव में दो चापाकल है तो हमको नहीं लगता वो दोनों चापाकल सही तरीके से चल रहा होगा सुचारू रूप से, क्योंकि जलस्तर काफ़ी नीचे चल गया है और जो चापाकल खराब हो गया है वो बंद पड़ा है, उसको रिपेयरिंग के भी कोई काम नहीं किया जाता है। हम पिछले ही कुछ दिन पहले आपके पाटन तरफ किसी गांव में गए हुए थे, वहाँ का ये सच्ची घटना है, तो वहाँ पे सिर्फ एक चापाकल था और पूरा घना बस्ती था, बहुत बड़ा बस्ती था और एक चापाकल नवा जयपुर उस गांव में एक चापाकल में सारे लोग मजबूर थे लाइन लगा करके पानी लेने के लिए, तो महिलाएं इतना सक्षम नहीं थी कि गांव को उस साइड से इस साइड आती पानी लेने के लिए। पुरुष क्या करते थे कि सुबह उठ करके उनका यही काम था कि साइकिल लेकर के पानी लेने आते थे, लाइन में लग करके पानी ढो करके लेके जाते थे। उनका कहना था कि हम लोग तीन दिन चार दिन नहाते नहीं हैं क्योंकि पानी कौन लेकर के आए वहाँ से, और वहाँ जाइए तो लाइन लगना पड़ता है पानी पीने के लिए, तो नहाने के लिए पानी कौन लेकर के आएगा। ममता भुइयां को EBM के क्रमांक संख्या 2 पर बटन दबा कर लालटेन का बटन दबा करके आशीर्वाद देने का काम करिएगा, बस यही हम आग्रह करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।